आपका जैसे बोला जाता है जो झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, वैसा मेरा गमछा गिर गया बरेली के बाजार में। तो बारिश कमने का नाम नहीं ले रहा, तो सोचे रेनकोट ही पहन लेते। ये पहन हर महादेव। आज दिन है मेरा 25वां और मैं कल रात को हनुमत धाम में था, वहीं पे मेरा रहने का सोने का सब कुछ का इंतजाम था। फिर सुबह सुबह वहां से निकला, अभी मैं निकला हूं आपका बरेली के लिए। और बरेली यहां से 80 से 85 किलोमीटर के आसपास है, तो सोचते हैं बरेली पहुंच लेते हैं, उसके बाद फिर और 10 किलोमीटर और आगे जाके रहने का अगर कहीं जगह मिल जाता है तो वहाँ रहने का कोशिश करेंगे। और आज का मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है, थोड़ा थोड़ा बारिश भी दे रहा है, तो मज़ा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं चलाने में। देख सकते हैं बरेली जो है 84 किलोमीटर है, तो 84 किलोमीटर और चलना है। और देख सकते हैं सामने की तरफ जो है इतना ऊंचा ओवरब्रिज है, हम क्या करेंगे, ओवरब्रिज से नहीं जाएंगे, हम साइड से जाएंगे, नीचे से जाएंगे शॉर्टकट लेने के लिए। लेकिन आगे जो है वो रास्ता बंद है, अब फिर घुमा के जो है ओवरब्रिज से ही जाना पड़ेगा, उपाय नहीं है। बारिश हो रहा था तो सोचे रुकिए कुछ खा ही लेते हैं, तो फ्राइड राइस मंगाए हैं, बहुत दिनों के खाए नहीं है फ्राइड राइस, इधर प्याज मिर्चा बस खाते हैं, फिर बारिश कमने का इंतजार करते हैं। और आज जो बारिश दी है इससे ठंड भी लग रहा है, तो बारिश कमेगा तो फिर आगे के लिए निकलेंगे बरेली के लिए। बरेली यहाँ से ज़्यादा नहीं, आपका 30-35 किलोमीटर बचा हुआ है, वो पहुँच जाएंगे आज, बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। लेकिन ये पहले बारिश छूट जाए फिर निकलते हैं यहाँ से, खाना वाला इससे अच्छा इससे पहले आप खाना ख़त्म कर लेते हैं। तो बारिश कमने का नाम नहीं ले रहा, तो सोचे रेनकोट ही पहन लेते, पहनने का मन नहीं करता लेकिन फिर भी अभी उपाय नहीं है तो रेनकोट पहन लिए हैं, अभी निकलते हैं। क्योंकि तो अभी अगर नहीं निकलेंगे तो बरेली यहाँ से अभी 40 किलोमीटर दूर है, तो देर हो जाएगा, इसलिए अभी यहाँ से निकलते हैं। बारिश में साइकिल चला रहे हैं, लेकिन इस बारिश में साइकिल चला के मज़ा नहीं है, इससे अच्छा तो धूप था। अगर ज़्यादा धूप लगता था तो कहीं पर रुक जाते थे, 10-15 मिनट में हो जाता था। अब ये क्या हो गया, बारिश छूट भी नहीं रहा है और ऊपर से इतना कुछ पहन के जो है चलाना पड़ रहा है, मज़ा नहीं आ रहा। और ऊपर से क्या हो गया, अभी टाइम भी होते जा रहा है, अंधेरा हो रहा है, मतलब होने वाला है अंधेरा, तो जल्दी से जल्दी जो है बरौली पहुँचना है, देखते हैं कितना देर तक पहुँच पाते हैं। फाइनली जो है मैं आपका बरेली पहुंच चुका हूं, और बरेली पहुंचते होटल ढूंढने में आज ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हुई है। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं होटल राज रतन, एक होटल है जो बहुत चीप रेट में मुझे भैया लोगों ने जो है रूम दिलवा दिया, रूम भी छोटा सा है, अब मुझे कितना ज़रूरत तो ज़्यादा होता नहीं है। और आज में क्या हो गया, जब आ रहे थे बरेली घुसे थे तो उस वक्त दो चीज़ें हुई, एक तो आपका जैसे बोला जाता है जो झुमका गिरा रे बरेली के बाज़ार में, वैसा मेरा गमछा गिर गया बरेली के बाज़ार में। और दूसरा चीज़ हो गया, यहाँ पे घुसते ही पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, एक पीछे से एक लड़का आया, फिर मेरे हाथ में मोबाइल था, वो खींच के भागने वाला था, लेकिन मैंने अच्छे से पकड़ रखा था, इसी कारण से जो है मोबाइल मेरा बच गया। तो अभी जाते हैं, कमरा आपको दिखा देते हैं, उसके बाद में जो है फ्रेशन अप होके उसके बाद खाना वाना खा के जो है आज सोएंगे, फिर कल निकलना है। और केदारनाथ यहाँ से ज़्यादा नहीं, आपका 500 किलोमीटर के आसपास में भी है, उससे थोड़ा 10 किलोमीटर कम ही होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल। मेरा छोटा सा रूम, ये है बेड और बस एक पंखा दिया है, बस इतना ही हो गया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल।